शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। अरे यार राज, ये अचानक सब कैसे हो गया? रानी ने तुझे कुछ बताया नहीं? राज, अब पूरी बात समझ में आने लगी। यशवर्धन जी ने रानी के लिए तुझे क्यों पसंद किया? क्योंकि जो उनके हालात थे, उस हालात में किसी करोड़पति लड़के के साथ तो वो रानी का। अरे राज, कहाँ जा रहा है? सुन तो। मुझे अभी पापा के पास जाना होगा। पता नहीं क्या बीत रही होगी उनको, उन्हें मेरी जरूरत है। यशवर्धन जी, वो तो घर छोड़ के चले गए। कहाँ? वो मैं नहीं जानता। माँ, हमें नहीं मालूम था कि इन कंगालों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। 5 करोड़ का सपना देख रहे थे बेटा हम लोग, और हाथ क्या लगा? फूटी कौड़ी भी नहीं। क्यों दुखी होती हो? रानी जैसी संस्कारी बहू। बस बस, आग लगे ऐसे संस्कारों को। अरे कुछ माल लेकर आती तो बात भी बनती, अब क्या चाटू उसके संस्कार? अरे डिम्पी, बहुत दुख हो रहा है। बेचारी सुरेखा कितनी उम्मीदें लगा के बैठी थी राज के ससुराल से आने वाले पैसों पर, लेकिन उसका तो वैसा ही हाल हुआ ना जो हिंदी पिक्चर में वो गीत है ना। कौन सा? अरे सुरेखा बहन, आओ आओ। बहुत अफसोस हुआ हाँ सुन के। एक बात पूछूं सुरेखा बहन, आप लोगों ने शादी के पहले कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं किया था? हाँ, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। वो कहाँ हम कहाँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम कहाँ। डिम्पी उल्टी बात मत करना। चेकिंग कहाँ की कोकिला बहन? बस वो कहते हैं ना
कि जब किस्मत खराब हो तो आंखों के आगे पर्दे आ ही जाते हैं। ना कुछ सोचा समझा देखा भाला, बस अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। आप लोग ऐसे शोक क्यों मना रहे हैं? रानी अब आपके परिवार का हिस्सा है सुरेखा आंटी, इतनी प्यारी बहू मिली है आपको। अरे प्यारी है तो क्या करूं, उसकी तस्वीर पूरी राजमहल सोसाइटी में बांटूं? अरे न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की है वो। रानी बेटा कब आ रहा है राज तुझे लेने के लिए? उसे बता दिया था ना कि हम लोग यहाँ हैं? जी पापा। पापा वो शायद हमें लेने ना आ पाए, वो ऑफिस में कुछ काम आ गए हैं। हम सोच रहे हैं हम अकेले ही चले जाएंगे। चल तो मैं तुझे छुड़ाता हूँ। नहीं पापा हम चले जाएंगे, अपने घर ही तो जाना है। अच्छा लगा सुन के अपना घर। दो तीन दिन में ही तूने उस घर को अपना बना लिया। राज हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे बंद मत करना, अब हमारी दुनिया आपका घर ही तो है। सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो, आज से उस लड़की के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। कैसी बातें कर रही हो? वो इस घर में आ गई तो? ऐसे कैसे आ जाएगी? क्या अकेले टहलती भी आ जाएगी महारानी? यहां से कोई उसे लेने जाएगा तब वो आएगी ना। मजाक बनकर रह गए हम सब राजमहल सोसाइटी में। और रानी न जाने सबकी नजरों का सामना कैसे करेगी वो। मैंने तो सोचा था कि साक्षात लक्ष्मी जी विराजी हैं हमारे घर में। कितने शगुनों के साथ मैं उस लड़की को ब्याह कर लाई थी इस घर में, लेकिन अब वो इस घर की दहलीज पर पांव रखकर दिखा दे। यशवतन मित्तल की वो महारानी बेटी, मर दी अपनी लड़की हमारे मत्थे उस धोखेबाज यशवर्धन मित्तल। वैसे बता रहे मैं तो पहले से कह रही। अरे कभी सोचा नहीं था कि यशवर्धन मित्तल हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। कहां 5 करोड़ की उम्मीद लगाए बैठे थे और? अरे बेटा मुझे तो 500 भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बस कीजिए शर्म आनी चाहिए आपको, क्यों अपने लालच को धोखे का नाम दिए जा रहे हैं? यशवर्धन जी ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है। 5 करोड़ के सपने उनके दिखाए हुए नहीं थे, आप लोग ही उनके बड़े नाम और स्टेटस से चकाचौंध थे, उम्मीदें लगाए बैठे थे। मैं भी तो यही कह रहा था। चुप रहिए आप, क्यों नहीं लगाते उम्मीदें इतने बड़े घर के मालिक? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घर नहीं बहू देखिए, धोखा तो आप लोगों ने दिया है मुझे और रानी को। आप रानी को इस घर में बहू बनाकर लेकर आए थे, अब उसे बहू का हक दीजिए। रानी का इस घर में उतना ही हक है जितना आरती भाभी का। अगर वो इस घर में आना चाहती है तो वो जरूर आएगी। और एक और बात, यशवर्धन जी जैसे शरीफ इंसान हालात के शिकार हो सकते हैं लेकिन धोखेबाज नहीं।
वो रानी के पापा हैं। आइंदा उन्हें इज्जत देके बात कीजिएगा। आपने हमारे लिए और हमारे पापा के लिए जो इज्जत भरे शब्द कहे, उसके लिए हम आपको थैंक्स भी नहीं कह पाए। हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आज हम खुद से वादा करते हैं कि जैसे जीवन साथी की तमन्ना आपने की थी, हम वैसे ही बन के दिखाएंगे। पी लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वैसे बता रहे हैं हम सबको सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं क्यों सहूं? मैं किसी के बाप का दिया हुआ नहीं खाती हूं, समझी? नहीं, खा तो नहीं रही, जबकि कुछ आया ही नहीं। तो आप ही तो सुबह कह रही थी ना कि उसे इस घर में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। उस कदम रोक पाई आप? नहीं ना। और रोग भी कैसे पाती जब अपना खुद का ही बेटा उसका साथ दे रहा हो। वैसे बता रहे हैं बीवी आने के बाद बेटा एकदम बदल गया है। हाँ भाई, सब इनके जैसे थोड़ी ना होते। वैसे हमने तो अपने आप को समझा ही लिया है कि रानी जी के नखरे सहने की आदत डाल ही लो। नखरे सहे मेरी जूती। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि कहा तो राज हम लोगों से लड़ाई कर रहा है कि ऐसी लड़की क्यों ढूंढी मेरे लिए, और अब उसी का हिमायती बन बैठा। आप भूल रही है, आप ही तो कह रही थी कि रानी की खूबसूरती देखकर वो सब कुछ भूल जाएगा। अरे इसीलिए तो आज अंदर मेरे कमरे को अपना कमरा समझकर चैन की नींद सो रही है, और आप यहाँ बेचैन सी इधर उधर घूम रही हो। बस अब मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि राज हम सबको ना भूल जाए। अब बस भी करेगी,
पहले ही जली बैठी हूँ, ऊपर से तू और जला मुझे। रानी की जो औकात है वो तो मैं उसे दिखा कर ही रहूंगी। नाम की रानी और पल्ले कुछ नहीं। पानी भगवान, तूने सपने तोड़कर अच्छा नहीं किया। रानी लक्ष्मी 5 करोड़। वैसे बता रहे हैं मुझे ज्यादा अक्ल तो है नहीं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि दुनिया में इतने चालाक लोग भी होते हैं। बैठे बैठे कितना नुकसान हो गया है ना। आरती प्लीज, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। तो क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? इतना सारा कर्जा किसके लिए निकाला? इस घर के लिए ना। और इतना करने के बावजूद कोई ये इल्जाम लगाता है कि राज को उसके पसंदीदा जीवन साथी नहीं मिला। ठीक है, ये भी सह लेंगे, बड़े जो ठहरे। लेकिन राज, देखा उसने कैसे सबके सामने रानी का साथ दिया? बस करो तुम अभी। हाँ ठीक है, चुप बैठती हूँ, सहने की आदत भी डाल लेती हूँ। एक तो तुम पर इतना सारा कर्जा है, अब तो ये भी नहीं सोचूंगी कि कभी हमने सी फेसिंग फ्लैट में रहने के बारे में सोचा भी था। तो लगता है इस बरसाती में ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये भी आदत डाल दूंगी। क्यों? हाँ? तुम अपनी सारी जिंदगी बरसाती में क्यों बिताओगी? जाने दो। वैसे बता रहे हमें तो तकलीफें सहने की आदत है, लेकिन रानी वो तो बेचारी। कौन बेचारी नहीं है वो? देखो मुझे उसकी बेचारगी की परवाह नहीं है। हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। मैं अभी जाकर माँ से कहता हूँ कि। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी जी कितनी परेशान है, ऊपर से ये सब बोल दोगे तो? तुम जाओ अपने ऑफिस एक चक्कर मार के आओ। ऐसा मुंह लेकर घर में बैठे रहोगे तो मेरे आंसू भी नहीं रुकेंगे। जाओ। चलो आरती, अपने कमरे में शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। अरे 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 आरती, क्या कर रही है? तो क्या करूं मैं? एक दिन और अगर बरसाती में सोई ना तो वहीं सो जाऊंगी हमेशा के लिए। पता है रात को मच्छरों ने मेरा सारा खून चूस लिया। हाँ, मैं मीठी तो मेरा खून भी मीठा ना, लेकिन बता देती हूँ आज से मैं इधर ही सोने वाली हूँ बस। मम्मी जी, एक मिनट, इधर आ तू। अरे इधर आना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, ये जो तू खेल खेल रही है ना हम लोगों के साथ, ये मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी, समझी? आज इसकी वजह से मेरे बच्चे ने आज हम लोगों से ऊंची आवाज में बात की, इसकी वजह से। अरे फूट ना कुछ अपने मुंह से, ऐसे खड़ी जैसे बुत खड़ा हुआ है। देख कैसे कर रही है, जैसे मेरी आवाज ही नहीं इसके कानों में पड़ रही। अब जाओ, जाकर खाना ठूस लो, नहीं तो मेरे बेटे के आते हैं उसके फिर कान भरेगी और फिर उसकी 4-5 बातें हमें सुननी पड़ेंगी। अरे जा ना मनहूस। आज से तू बरसाती में सोएगी, समझी? ये बेचारी मासूम बच्ची सारा दिन काम करती है और मच्छरों से काट काट के उसका बुरा हाल कर दिया। आज से तू बरसाती में नहीं सोएगी, समझी? जैसा आप कहें मम्मी जी। सोएगी ये।
वैसे बता रहे हैं, बुरा मत मानना, आज जरा मम्मी जी कुछ ज्यादा ही नाराज होगी ना। कोई बात नहीं, मैं उन्हें ठंडा पानी पिला के आती हूँ। हाँ ये तुम्हारे लिए, सोने के लिए मच्छरों की दवाई लगा के सोना। हाँ वहां बहुत मच्छर है। गुड नाइट। एक बात मेरी कान खोल कर सुन, ये जो तुम खेल खेल रही है ना हम लोगों के साथ, मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी। मैंने तो सोचा था कि साक्षात लक्ष्मी जी विराजन हमारे घर, लेकिन अब उस घर में जाकर उसको पांव रखना पड़ेगा। अरे मरती अपनी लड़की मारे मच्छर, उस धोखेबाज के शब्द मित्तल। अरे मरती अपनी लड़की मारे मच्छर, उस धोखेबाज के शब्द मित्तल, लेकिन अब उस घर में जाकर उसको पांव रखना पड़ेगा। अरे मरती अपनी लड़की मारे मच्छर, उस धोखेबाज के शब्द मित्तल।